माइनक्राफ्ट 1.20 में एक ऐसा ग्लिच है जिसमें आप लोग अनलिमिटेड डायमंड ले सकते हैं। अभी मैं आप लोग को ये बताऊं कि ये ग्लिच वर्क कैसे करेगा, तो उससे पहले एक बार लास्ट वीडियो के कुछ शॉर्ट आउट कमेंट्स देख लेते हैं। अभी अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करके और शेयर वेयर मार दो वीडियो को, एंड एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। अभी जैसा मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग वैसा करोगे तो आपका फर्स्ट ट्राई में ग्लिच हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट 3 ब्लॉक लगा लेने हैं, एंड उसका एक ब्लॉक छोड़ के फिर 2 ब्लॉक लगा देने सेम टू सेम। अब उनको भाई आपको 3 ब्लॉक की हाइट तक ले जाना है। 3 ब्लॉक हाइट होने के बाद जैसे मैं कवर कर रहा हूँ सेम वैसे ही कवर कर देना है। जो ब्लॉक मैंने कवर करा था उसके जस्ट नीचे चेस्ट रख देनी है। जिस वॉल की चौड़ाई 3 ब्लॉक थी उसके तीसरे ब्लॉक पे इस तरफ साइन बोर्ड लगा देने हैं। अभी हमने एक ब्लॉक से जो छत बनाई थी हमको वहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है, एंड सिंपल सा अब हमारा आधा काम हो चुका है। एंड ये करने के तुरंत बाद आपको सेव एंड क्विट कर देना है। आपको फिर से गेम ज्वाइन कर लेना है, एंड आपको सिंपल सा जाके पानी में खड़ा हो जाना है, और पानी में से भाई जितना सामान आपके इन्वेंटरी में था ना आपको चेस्ट में रख देना है। ये सारा सामान चेस्ट में रखने के बाद आपको 4 हार्ट तक डैमेज लेना है। ये 4 हार्ट डैमेज लेने के बाद आपको गेम बैक कर देना है, और हाँ इस बार सेव एंड क्विट नहीं करना, पूरा का पूरा गेम बैक करके काट देना है। अभी आपको फिर से एक बार गेम ज्वाइन कर लेना है, एंड अभी आप लोग देख रहे हो मैं पहले पानी में था बट मैं पानी में नहीं खड़ा, एंड मेरी इन्वेंटरी में बहुत सारे डायमंड, मतलब सारे के सारे डायमंड है, और अभी चेस्ट में जाकर देख रहे हो तो भाई वो डायमंड चेस्ट में भी है। अभी आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन ये ग्लिच करने वाला है। अभी आप लोगों को माइनक्राफ्ट 1.20 को एक फैक्ट बता देता हूँ, अगर आप लोग ज़ॉम्बी के सामने अपना आर्मर ड्रॉप कर दोगे ना तो वो आपका आर्मर पहन लेगा, हाँ जैसा कि ज़ॉम्बी ने पहन रखा है। या मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मैं एक बार मर गया था और इसने मेरा आर्मर उठा लिया। ओके तो अभी मैं जा रहा हूँ विनोद को लौंडियाबाजी सिखाने। अरे विनोद चल लौंडियाबाजी करते हैं।